अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोगों को शबे मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी रात है, अभी बस रोज़ा रख खोलते हैं, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह ताला इबादत करेंगे। मेरा बेटा बोल रहा है मुझे मस्जिद जाना है, लेकिन मैं इसको मस्जिद भेज नहीं सकती अकेले। गाइस मैं गल में ही मत पल सकता हूं। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब लोग तो जाएगा। बस रोजा रखा हुआ है, रोजे के लिए इफ्तारी मंगवाई है बाजार से, इफ्तारी वगैरह करके कल इंशाल्लाह ताला घर में इफ्तार बनाएंगे। कल का भी रोजा है, मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद इफ्तार के वक्त। गाइस अजान होने वाली है, हमने मंगाई है बिरयानी, समोसे, चाट। सबसे बड़े रोजेदार बैठे हुए हैं इधर दो। क्या हुआ? सो गाइस रोज़ा खोलते हैं फटाफट और अल्लाह पाक हमारे रोज़े को कबूल करे, और जिसने भी आज रोज़ा रखा अल्लाह पाक उन सब के रोज़ों को कबूल करे। परवरदिगार खोलने के बाद बनाएंगे खाना, सारी वारी सब करेंगे। बच्चे जा रहे हैं दादी के घर पे। अल्लाह की हिफाजत में फिया मानिल्ला। तंग नहीं करना, पहुंच के मुझे फोन करना चाचू के नंबर से। नहीं नहीं। सो अगेन अस्सलाम वालेकुम गाइस, जा रही हूँ अम्मी की तरफ। रात में इबादत की, तहरी की, रोज़ा किया, तो वो सब दिखाना कोई ज़रूरी नहीं समझा। अब सुबह उठे हैं, ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही है। अम्मी की तरफ जा रही हूँ, पहले तो डालेंगे अपना वोट। वोट डालने के बाद रवा दवा करेंगे अपने काफिले को अम्मी की तरफ, क्योंकि वो दोनों तो हैं ही नहीं, वो दोनों तो गए मैं अपनी दादी के घर। मैं हो रही हूँ घर में, बहुत ज़्यादा बोर, रोज़ा है। तो अम्मी ने कहा मेरे साथ इफ्तार कर लो आके, और असल में हमारे बाबा भी घर में नहीं है कल से, क्योंकि उनकी भी लगी हुई है ड्यूटी। तो अम्मी की तरफ चलते हैं, वोट डालते हैं। गाइस जा रही हूँ मैं वोट डालने, तो कर लेते हैं मार्क्स और निकलते हैं वोट डालने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वोट तो डाल दिया है हमने। आप लोग भी निकले अपने अपने घरों से वोट डालो। जब तक कि मैं व्लॉग पोस्ट करूंगी जब तक वोट डल चुके होंगे और रिजल्ट भी तकरीबन अनाउंस हो चुके होंगे। तो गाइस अम्मी यहाँ बना रही है इफ्तारी, पकौड़े। क्या क्या अम्मा? यार आयत सो रही है, मैं भी बोर हो रही हूँ। मैं अम्मी को बोल रही हूँ बाहर चलते हैं, सन्नाटा पड़ा हुआ है सब जगह सी। रोडों पे भी सन्नाटा है, रुको जरा, अभी सब्र करो, अभी आएगी रौनक थोड़ी सी मगरिब के बाद इंशाल्लाह। असल में वो आज रोजा भी है ना, तो इस वजह से जो है ना लोग घरों में चले गए होंगे इस टाइम पे, है ना, है ना।
अक्सर वो बेशतर जगहों पे ऐसे हैं। दस्तखान पे बैठ चुके हैं, दुआ करते हैं। बच्चे नहीं है बहुत ज़्यादा, मिस सुना सुना हो रहा है दस्तखान, और हमारे बाबा की जगह भी खाली है तो वो भी नहीं है। अल्लाह पाक साथ खैरियत से उनको वापसी लेके आए। परवरदिगार अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुल्क पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक बहुत अच्छा फैसला करवाए और अच्छा हुकुमरान। वैसे तो पता ही है रिजल्ट, फिर भी अल्लाह पाक कुछ कुछ कर दे मौजज़ात ज़िंदगी में। आयत सूरी है, हम तीन लोग रोज़ा खोल रहे हैं, रिश्मा हुसैन और अपनी दादी के यहाँ रोज़ा खोल रहे होंगे। अज़ान हो रही है, हाँ। तो गाइस रोज़ा खोलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से इफ्तार के बाद। सो गाइस दस्तखान पे खाया नहीं जा रहा था, नमाज़ वगैरह पढ़ के। मैं फ्रूट चाट बहुत शौक से खाती हूँ, तो बस ये एक ही प्याली में मम्मी ने सिर्फ मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि जो है ना ये सिर्फ मैं ही बहुत शौक से खाती हूँ, पूरे घर में और कोई भी नहीं खाता। फ्रूट चाट खाते हैं। सो रही है, नेटवर्क है ही नहीं, नेटवर्क का वेट करते हैं, रब्ता करते हैं बच्चों से। सो गाइस जा रही हूँ मैं अम्मी के साथ, हमारा लस्सी पीने का बहुत दिल चाह रहा था। मैंने कहा अम्मी ज़रा चलते हैं रोडों की रौनक भी देखते हैं, फिर मैं वहीं से घर निकल जाऊँगी और आप ऊपर आ जाइएगा वापसी घर, बाबा तो हैं ही नहीं, तो बस चलते हैं और फिर देखते हैं लस्सी मिलती भी है नहीं मिलती। दिल तो बहुत हो रहा है पीने का। तो गाइस निकल चुकी हूँ मैं अपने पार्टनर को लेके। मैंने बोला चलो यार थोड़ा बाहर देख के आते हैं, लेकिन यार बाहर तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है, ये कुछ अजीब सा ही मुझे वो लग रहा है इस बार के इलेक्शन के अंदर। बड़ा कोई रोडों पे कोई हलचल कुछ नहीं है, तो पड़ा हुआ बिल्कुल सन्नाटा। और अम्मी और मैं निकल आए बाहर, मैंने बोला चलो कुछ नहीं तो हम पी लेते हैं लस्सी, क्योंकि दिल चाह रहा था यार कुछ ठंडा पी लेना मेरा। क्या कहती अम्मी आपके लिए भी लस्सी? हाँ ना अफ्तारी से पेट भरा हुआ है, लस्सी पी लेते हैं। तुम क्या पी होगी भाई? इधर ये कुछ भी नहीं पी, ये हमारा दिमाग खाएगी। भाई आ चुकी है लशारी लस्सी VIP। मनो कोई गिर गई यार, नजर गिर गई यार। उस दिन का व्लॉग मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, फिर बच्चे भी दादी के घर चले गए थे, फिर मेरी भी तबीयत सेट नहीं चल रही थी और एक दो काम में मसरूफ थी, तो मैंने बोला व्लॉग को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, इसकी आवाज़ कम कर लेते हैं। मैं पिछले 3 घंटे से ये सुन सुन के पागल हो चुकी हूँ। ये मेरे पास है तो बस अभी रिश्मा और हुसैन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो फिर इनको मैं सोचा है कि थोड़ा आज बाहर लेके जाऊं खाना वाना खिलाने के लिए। तो बच्चे आते हैं तो उनसे मैं पूछती हूँ कि कहाँ चलना है उन लोगों को। मम्मा मम्मा बोल रही है। बच्चा मुझे छोड़ छोड़ के इतने दिन के लिए चले जाते हैं, मैं अकेली परेशान होती हूँ। इसको ये बात पता है कि इसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। तुम क्यों गए थे मुझे छोड़ के? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आई थी कल। नहीं आई थी? मैं तो आई थी। तुमको पता है ना मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। मैं आपसे बोल रहा था नहीं जाना, मैं नहीं जाना बोले। बच्चे आ चुके थे, झटपट कपड़े वपड़े चेंज करे, बच्चों को मैंने बोला चलो तुम लोगों को बाहर लेके चलूं, बच्चों ने बोला हमने जाना है KFC, तो बस चलो चलते हैं। आ जाएं आप लोग भी साथ। सो गाइस यहाँ हम दे रहे हैं ऑर्डर, ये लोग कर रहे हैं बदतमीजी।
तुम जी। चल बच्चों को मैंने वहाँ छोड़ दिया है और ये बच्ची मेरे पास आ चुकी है। इसको बड़े मजे लग रहे हैं अब। ये सब थोड़ी सी पिक्चर वगैरह हम भी बना लेंगे। बच्चे जब तक इंजॉय कर रहे हैं, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। जो है ना, लग रहा है डर की आयत की लग लगा ना जाए। और ये सुषमा लेके आ गई आयत को यहाँ पे। पूरी आयत हाँ। आयत जिसमें बीच में नहीं रुको, एक कॉर्नर पे ले जाओ, बच्चे परेशान होंगे वरना आप इसको मुझे दे देते हैं। घर में बैठे बैठे हो रही थी बहुत ज्यादा बोरियत, और काफी दिन से मैं लेके निकली भी नहीं थी बच्चों को बाहर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको लेके निकला जाए। तो बच्चों के हैंड वॉश आराम से हैंड वॉश करो, जल्दी करो हुसैन। देखो इनको इसमें भी चाहिए खेल, इन लोगों को इसमें भी खेल चाहिए। कैसा है सुषमा, कैसा है? चीज तो बढ़िया है। जल्दी खाओ जल्दी। बस ये लोग खुश हो जाते हैं, मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं और एक मिनट में सारा पैसा हो जाता है बस में। बस इनकी खुशी के लिए ही ये सब। और ये मेरा बिल्ला, ये मेरा बिल्ला। हाँ। इतरा रही है, जल्दी खाओ लो। गाइस चीज तो बढ़िया है। गाइस चीज तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है? मम्मा बच्चे कितने छोटे से होते हो, इतनी जल्दी बड़े हो जाते हो माशाल्लाह। इसकी स्टोरी भी कभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। मेरी बच्ची जो है ना, अल्लाह पाक का गिफ्ट है मेरे लिए। गाइस बस खाना पीना हो चुका है, चल रहे हैं घर। चलो निकलो बाहर। आओ उसको तुम्हारे पास आना है। क्या जिद देखे गाइस इसकी? अब क्या हुआ? बोल रही मैं खुद चल के आऊंगी अंदर। गोद में क्यों लिया? तो दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ। बस अब व्लॉग का भी एंड करते हैं, काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है। बच्चों को सुलाते हैं, इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यहाँ का हंगामा देखें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।